पास्ता तो बहुत तरीके का होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और हमारे देश में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला है मैक्रोनी। जी हाँ, मैक्रोनी पास्ता का एक टाइप होता है। मगर क्या आपको पता है छोटे छोटे से मुड़े मुड़े से मैक्रोनी के दाने कैसे तैयार होते हैं और ये मैदा के होते हैं या सूजी के? तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। आपको जाता है मैक्रोनी कैसे तैयार करी जाती है और कैसे इसने हिंदुस्तान में मैगी के छक्के छुड़ा दिए। तो मैक्रोनी बनाने की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए लिया गया रवा का कट्टा। रवा जो होती है वो एक तरीके की मोटी सूजी होती है, जिसके कट्टे को खोल दिया गया। अब इस पूरे के पूरे कट्टे को पलट दिया जाएगा मशीन के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक बड़ा सा पतीला है लगा हुआ है, जिसके द्वारा सारी की सारी सूजी छनती जाती है और ऊपर की ओर आगे बढ़ती जाती है। सूजी को यहाँ पे भैया ने फैला दिया, आप देख सकते हैं एक ओर से जो है सूजी अंदर की ओर जाती जा रही है और दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं पाइप के द्वारा इस बड़े से कंटेनर में आती जा रही है। इस कंटेनर का काम होता है सूजी और पानी को मिलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूजी आती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे पानी कहाँ से आता है, तो आप ये देखिए ये नीली वाली जो टंकी है, इसके द्वारा पाइप की मदद से इस बड़े वाले टैंकर में पानी को भरा जाता है और इस पानी में डाला जाता है हल्का सा रंग, ताकि जो मैक्रोनी है वो बड़ी देखने में सुंदर लगे। अब इस पानी को लिया जाता है, मग द्वारा इसमें डाला जाता है और ये वैसे भी आता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे वैसे कहाँ से आता है, तो आप ये जो छोटा सा नलका देख रहे हैं ना, इसके द्वारा पानी आता रहता है। उसके बाद ये सारा का सारा मिश्रण जाता है इसमें पकने के लिए। इस मशीन के द्वारा इस मिश्रण को पकाया जाता है। दूसरी ओर जो है मैक्रोनी के दाने छोटे छोटे जिसमें से निकलते हैं उसको सेटअप करा जा रहा है। तो ये बड़ा सा जो है स्टील का बर्तन है जिसको लगाया जा रहा है। दूसरी ओर से इसमें डाली जा रही छलनी, अब इसको पलट के लगा दिया जाएगा इस बड़े से टैंकर के मुंह पे। ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना, इसी में सारा का सारा मिश्रण पकने के बाद आता रहता है। और दूसरी तरफ से जाली की ट्रे लगाई जा रही है, ताकि सारा का सारा जो मिश्रण है वो अच्छे से पक के बाहर निकले। अब आप देख सकते हैं पकना शुरू हो चुका है। दूसरी ओर से मैक्रोनी के छोटे छोटे सुंदर सुंदर से दाने आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगी हुई मशीन जिसके द्वारा इनकी छनाई होती है, जितने भी बड़े बड़े दाने उन्हीं को इनमें आगे भेजा जाता है। लग रहे हैं ना बिल्कुल मोती की तरह, कितने सुंदर लग रहे हैं ऐसे छोटे छोटे से मैक्रोनी के दाने। अगर आप सोच रहे हो ना भाई ये तो पक गई है, तो हम इसे उबालते हैं क्यों बनाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैक्रोनी वो कच्ची होती है सूजी, उसको सिर्फ एक रूप देने के लिए पकाया जाता है। अब ये जो दाने आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें छन्नी पे फैलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्रोनी के दाने वो अभी कच्चे हैं, तो उसके लिए इन्हें हीटर में डाला जाएगा, ताकि ये बिल्कुल अपना आकार ले ले। 12 घंटे के लिए इन्हें हीटर में डाला जाता है। तो एक एक छन्नी को उठाया जा रहा है, स्टैंड में लगाते रहेंगे, जैसे ही छन्नी बढ़ती रहेगी और जैसे ही स्टैंड भर के तैयार हो जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा हीटर के अंदर। आप देख सकते हैं ये वाला जो स्टैंड है वो भर के तैयार हो चुका है, तो ये जा रहा है हीटर की ओर। तो चलते हैं हम भी देखते हैं इनका हीटर कैसा है। तो यहाँ पे जो है एक एक हीटर में आप देख सकते हैं पंखे लगे हुए हैं, चारों तरफ से यहाँ पे पंखों से घिरा हुआ ये हीटर है, जिसमें सारी की सारी ट्रेयों को लगा दिया गया है। ट्रे डालने के बाद इसको कर दिया जाएगा बंद और ये अब अगले दिन सुबह खोली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी गर्माई में इन्हें पकाया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी मैक्रोनी पक के तैयार है। इन्हें पहले जांचा जाएगा कि अच्छे से पकी है या नहीं, तो उसके लिए एक एक करके एक स्टैंड को बाहर निकाला जा रहा है। अब भैया इसे जांच रहे कि अच्छे से पकी है नहीं पकी है, इसकी शेप बिल्कुल कड़क हुई है नहीं हुई है, जो नहीं हुई होगी उसको बंद कर दिया जाएगा, जो हो गई है उसको निकाल के बाहर डाल दिया जाएगा थोड़ा सा और सूखने के लिए, जिसे हम कहते हैं ना फरारा होने के लिए, उसके लिए इन्हें निकाल के डाल दिया जाता है। ऐसे ही बाकी की ट्रे को भी देखा जाएगा, अच्छे से जांचा जाएगा, उसके बाद इन्हें निकाल के रख दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना मैक्रोनी। मेरा तो ऐसे मन कर रहा था देखने के बाद अभी से पकाऊं और खा लूं। और जैसे ये मैक्रोनी सूख के तैयार हो जाएगी, इसको बड़ी बड़ी बोरियों में भरा जाता है। जो आप दुकानों पे देखते हैं ना मैक्रोनी मिलती है 100-100 रुपए किलो, वो यही वाली मैक्रोनी होती है, नीली सूजी की बनी जाती है मैक्रोनी। तभी तो भाई इतनी ज्यादा खास है कि इसने मैगी को रिप्लेस कर दिया। मैगी होती है मैदा की और ये होती है सूजी की। तो अब इसमें बोरियों को भर लिया गया है, अब बोरियों को नापा जाएगा, उसके बाद बोरियों को कर दिया जाएगा सील पैक। ये हो चुकी है बिकने के लिए बिल्कुल तैयार। और इन्हें बिकने के लिए तैयार मैक्रोनियों की बोरियों को ले जाके रख लिया जाएगा गोदाम में। फिर बड़े बड़े ट्रकों द्वारा इन्हें भेजा जाता है दुकान में बिकने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।